मीना, हिंदी की कॉपी में क्या बोल रही हूँ? जब मैं बोलती हूँ तो तुम लोग का ध्यान इधर उधर होता है, फिर मैं जब लिखना शुरू करती हूँ आधे से ज्यादा टीचर बीच बीच में सवाल करते हो, कौन सी कॉपी हिंदी की, मैं बोल तो रही हूँ बेटा हिंदी की कॉपी निकालो, तुम करते हो। बोल तो रही हूँ, जब मैं बोलती हूँ तब तुम लोग इधर उधर ध्यान लगाए रहते हो, मेरी सुनते नहीं हो, फिर जब हम लिखने लगते हैं तो सवाल करते हो तुम लोग। बोलती रहती हूँ मेरी सुनो तो तुम लोग का ध्यान इधर उधर रहता है। अब बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं क्या लिख रही हूँ। हिंदी की कॉपी निकाल लिया कि नहीं? Yes, ma'am. चलिए डेट डाल लिया। Yes, ma'am. मंडे है ना, मंडे तो लाओ लो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सांप दिख नहीं रहा अच्छे से। सांप प्रॉब्लम हो रही है क्या? बता क्या दिख रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा, मुझे दिख रहा है लेकिन अच्छे से नहीं है। देखो लिखा है, सुनो, देखो लिखा है, वर्गों पर रे की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। वर्गों पर रे की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ, ये लिखा है मैंने, ठीक है। हम शब्द लिखेंगे उसपे रे की मात्रा लगा के शब्द को सही करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैम क्या लिखा है? बेटा लिखा है वर्गों पर रे की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। नहीं दे रहा है Yes, ma'am. वर्गों पर रे की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ, ये लिखा है, ठीक है। तो नंबर वन पे मेरी क्या लिख रही हूँ? कामया की मात्रा या काय, ये कोई सही शब्द है? की मात्रा लगेगी तो क्या होगा? ये गलत शब्द है काय। जब हम का या में ऊपर रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा क्या? काय है, तो काय है ऊपर रे की मात्रा, ऊपर रे की ये वाली मात्रा लगी तो ये क्या कहलाएगा? कार्य, ठीक है।
चलो लिखो, समझ में आ रहा है ना मैं लिख रही हूँ? ये अच्छे से लिखो। चलो लिखो, का या लिखा तो जब ऊपर रही की मात्रा लग गई तब ये शब्द सही हुआ। क्या हुआ? कार्य। काय कोई शब्द नहीं होता है ऊपर, तो हमने रे की मात्रा लगा के इस शब्द को सही किया, तब क्या बना? ये कार्य। नंबर टू, तो यही सब लगाइए ना, बस ऐसे ही ना, बस दूसरा है ना, अलग से इसको लाइनिंग करो, पहले लाइनिंग कर देना। देखो पुस्तक इस पे नहीं, लाइन खींच के लिखना है। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ इसलिए खींचा क्योंकि मेरे कितनी बार तुम लोग को मैंने बताया है मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, आपके कॉपी में जगह है, आप माइंड से लिखो। इसके बाद आप लोग क्लास वन में चले जाओगे, ये सारी चीजें आप लोग को खुद समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं मैंने जैसा लिखा बिल्कुल आप टीप दो कॉपी में वैसा ही, मेरे तो बोर्ड पे जगह नहीं है। मैं हर क्लास में आप लोग को ये बात समझाती हूँ कि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से लिखती हूँ। आपकी कॉपी में जगह है, आप लाइन से लिखो। आप चले जाओगे वन में, मैम टीचर इतना नहीं आप लोग को समझाएंगे कि कैसे, आप लोग को खुद समझना चाहिए कि कैसे करना है। समझो बेटा, आपकी कॉपी में जगह है, आप लाइन से पूरा लिखो, लाइन वगैरह नहीं खींचना है। शब्द शब्द लिखो ऊपर की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आ पा में ऊपर रे की मात्रा उड़ा पड़ अर्पण। आपाड़ा कोई शब्द नहीं होता है तो पा में हमने रे की मात्रा लगाई तो क्या बना? अर्पण। फिर तीसरा शिटी वाला शाह और माँ शम, जब इसमें रे की मात्रा लगाएंगे तो ये कैसा क्या बनेगा? ऊपर रे की मात्रा जो लिखी हो ठीक है। जब आय में हम रे की मात्रा लगा रहे ना तो तो इसका सही शब्द क्या होगा? दर्जन की मात्रा ना दर्जन। चलो इतना लिखो आप लोग, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है? क्या हुआ ये सब हमने क्या किया? रे की मात्रा लगा के शब्दों को
सही किया है, गलत है। आपने शब्द लिखिए, लिख कर आप लोग ये देखिए कहाँ कहाँ पे रे की मात्रा लगी है, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला बार बार ये चीजें, मैं जो भी लिखाती हूँ आप लोग उसको लर्न करते चलिए, एग्जाम टाइम सब भूल जाते हो, फिर आप लोग को ध्यान ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे रे की मात्रा लगती है। तो देखते जाओ कहाँ रे की मात्रा लगाई है, ऊपर लिखा है काए, तो कहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है ऊपर रे की मात्रा, तो क्या हुआ है ये सही शब्द, कार्य। दूसरा मैंने क्या लिखा है, दूसरा लिखा है अपण, तो पा पे लगी है रे की मात्रा, तो अर्पण। फिर लिखा है शब्द, तो शब्द में क्या हुआ है, माँ पे लगी है ऊपर रे की मात्रा, तो ये क्या शब्द बना, शर्म। तो फिर मैंने लगाई गर्जन। इन सब शब्दों को आपको समझना होगा बेटा, रे की मात्रा कहाँ कहाँ पर लगी है और शब्द कैसे बने हैं, ठीक है। कहीं नहीं समझ, ठीक है बेटा। बस सुन लिया, बार बार मत बोलिएगा का कि हो गया, मैंने सुन लिया, आगे लिखूंगी, आगे लिखो जाएगा लिखवाऊंगी मैं, फाइव तक जिसका हो जाए वो सिक्स से स्टार्ट करो। अब क्या हुआ, दर्जन तक हो गया, अब क्या मैंने लिखा देखो इधर, झा अमा हम, गलत शब्द, हम गलत, हम माँ पे रे की मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा, धर्म। हम रे की मात्रा सीख रहे हैं तो सारे शब्द ये सब रे की मात्रा लगेगी, धर्म, ठीक है। उसके बाद दर्जन, कहाँ मैंने लिखा दर्जन, एक सेकेंड बेटा, देखिए लिखा मैंने क्या, फा, तो इसका सही शब्द बनाएंगे रे लगाते तो क्या होगा, फर्श नहीं बेटा, फर्श। रे पे रे की मात्रा का लगेगी, शा पे लगेगी, ये शब्द इसी चैप्टर से आया है। अब मुझे कोई बताओ कि कामाठा में रे की मात्रा कहाँ लगेगी, क्या बन जाएगा, मैंने पढ़ाया था ना अर्जुन ने क्या था, कृषक था, पढ़ाई नहीं करते हो ना तुम लोग, हाँ तो मार कुछ भी किसमें लगेगा, हाँ तो करेंगे तो क्या होगा, ये सूर्य की मात्रा, वेरी गुड, सूर्य सूर्य। अब कहाँ लगेगी, गजन है तो क्या होगा, रे की मात्रा लग जाएगी, क्या पड़ जाएगा, गर्जन, गर्जन लिखा, आइए मैं गर्जन, हाँ वेरी गुड, चलो
ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सब हम लोग ने रे की मात्रा लगा, ये सारे शब्द हमने रे की मात्रा लगा के इनको सही किया, ये सब रे की मात्रा वाले शब्द हो गए। अर्पण शर्म आर्जन पर कर्म विसर्जन। जब मैं ये शब्द लिख कर दूंगी और रे की मात्रा लगाकर शब्दों को सही करिए, तो आप लोग को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कहाँ पे रे की मात्रा लगेगी। ठीक है, लर्न करना होगा कि कहाँ पे रे की मात्रा लगेगी। ठीक है बेटा, दो मिनट में हट रही हूँ, अब आप लोग लिखना शुरू करिए। चलिए चलिए, अब आप लोग हाँ चलिए लिखिए। अब दिख रहा है सुन लिया बेटा, तुम लोग कितनी बार मैंने बोला है। ठीक है, तुम बस हो गया तो रुक जाओ, मैं भी पूछूंगी बेटा आप लोग से, और बच्चों को लिखने दीजिए। और कहा यहाँ लिखा है धम, धम का कोई शब्द नहीं है, लग जाएगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा ये हमारा घर है, माँ है और ऊपर रग मात्रा आ जाएगी, क्या बनेगा ये निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, धर्म 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 है ये सह, अगर ऊपर रह की मात्रा लगे क्या बनेगा, फर्श कर्मठ, अगर उस पे माँ पे ऊपर रह लग गया तो कर्मठ कर्मठ बना। ठीक, अब सह है ऊपर रह की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, सूर्य। अब गजन है, गजन अगर जब रह की मात्रा लगे तो क्या बना है, गर्जन। हाँ गर्जन, गुरु खेलो लिखो सही वाला कैसे पढ़िए, लगा
मेरा लिखा हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा? आप लोग इतना चिल्लाते क्यों? आराम से बोलो। क्या बनेगा? सूर्य हो गया तो अच्छी बात, चलिए ठीक है। अच्छा तुम गए Yes. तुम्हारे पास मोबाइल कोई नहीं, कुत्ता क्या ऐसे देखो क्या बेटा बोलिए? पब्लिक डे हाँ बेटा, हाँ 26 को पब्लिक डे है। आप लोग सुनिए, ठीक है, हो गया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बीच में बोलो नहीं, मेरी बात सुन लो। 26 को रिपब्लिक डे है, तो अभी मैम आप लोगों को एक पोयम भेजेंगी, वो सारे बच्चे लर्न करेंगे और 26 को उस पोयम को सबको सुनाना है, ठीक है? मैम अभी आपके, मैम अभी आप लोगों के फोन पर एक पोयम को भेजेंगी, उस पोयम को आप लोग को याद करना है, लर्न करके 26 को आप लोग को सुनाना है। आज ही लर्न करिएगा, कल उसका रिवीजन भी हम लोग कराएंगे और परसों सारे बच्चों को वो पोयम को लर्न करके सुनानी है। तो परसों तक, कल और परसों तक सारे बच्चों को वो पोयम लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है? Yes, मैम।
यस मैम। ठीक है, अभी आप लोग के फोन पर पोयम जाएगी, उस पोयम को आप लोग लर्न करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है सारे बच्चों, बच्चे अच्छे, हाँ मैं देखूं कौन कौन बच्चा अच्छे से पोयम सुना सकता है। सारे बच्चे लर्न करेंगे, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से पोयम सुनाएगा, फिर जब बच्चा जो सुना लेगा तो स्कूल आएगा तो मैं चॉकलेट खिलाऊंगी। ठीक है, हाँ मैं सबको चॉकलेट खिलाऊंगी, लेकिन तब जब अच्छे से पोयम लर्न करके आप लोग सुनाएंगे। अभी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तो अभी मैम सेंड करेंगी आपको। ठीक है, बाकी जो मैंने लिखा बोर्ड पे आप लोग ने लिखा। yes, yes, ma'am. लिखने का मतलब ये बेटा ये नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ कॉपी पे लिख के उसको छोड़ दो। लिखाने का मतलब ये होता है कि यही सारी चीजें आप लोग की एग्जाम में भी आएंगी। हम लोग बोर्ड पे आप लोग को क्यों लिखवाते हैं, इसीलिए तो लिखवाते हैं ना, लोग की कॉपी कंप्लीट रहे। इन्हीं सबसे तो एग्जाम में आता है आपका। आप लोग लर्न नहीं करोगे तो फिर एग्जाम कैसे दोगे। एग्जाम टाइम में आप लोग सारी चीजें भूलते हो, तो जो कुछ भी कॉपी में लिखाया जाता है उसको बहुत ध्यान से लर्न किया करिए बेटा। एक एक स्पेलिंग देखा करिए कैसे लिखी हुई है। बाकी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, मैं तो हूँ आप लोग को समझाने के लिए ना। नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज तो आप हमसे पूछिए, मैम कैसे होगा, मैम ये कैसे लिखा जाएगा, मैं बताऊंगी आप लोग को। सबका हो गया? Yes, ma'am. चलिए लिखते रहिए। बाकी जो मैंने अभी बताया है आप लोग को कि अभी आपके लिए की पोयम जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ 26 जनवरी। ओके, सो यू लर्न दिस, जो आप लोग को पोयम सेंड करी जाएगी, यू ऑल लर्न दिस पोयम। ओके, सारी चीजें पे आप लोग लर्न करेंगे और जो पोयम है वो मैम अभी आप लोग को भेजेंगी, वो पोयम लर्न करिएगा, लर्न करके कल सुनाइएगा। कल आप लोग के उस पोयम का रिविजन होगा, परसों सारे बच्चों को याद होनी चाहिए वो पोयम। मैम ऑनलाइन क्लास में अभी मैम आप लोग को भेज देंगी कौन सी पोयम। हाँ क्या बेटा बताइए, ऑनलाइन क्लास में सुनाना है मैम। हाँ बेटा ऑनलाइन क्लास में ही सुनाना, अभी आप लोग स्कूल तो नहीं आ रहे हो ना, क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो ऑनलाइन ही सुनाना है, इसलिए लर्न होनी चाहिए आप लोग को। क्या बेटा मुझे वॉइस, हाँ बेटा ठीक है देख लिया आरुष, ठीक लिखा है बेटा, मैंने देख लिया। मैम मेरा देख लीजिए, मैं दिखाइए, देख लेंगे, साफ साफ लिखा करो बेटा। ये देखिए मेरा आरस का, मैम देखिए। हाँ ठीक है बेटा, मैम देख लीजिए, सबने बहुत अच्छा लिखा है।
गुड बेटा गुड, ऐसे ही साफ साफ काम किया करो कॉपी में, ठीक है? आप लोग सुनिए, अब आप लोग इसके बाद क्लास, आप लोग इसके बाद क्लास वन में चले जाओगे, तो क्लास वन में जाओगे तो और इससे भी बड़ी चीजें रहेंगी, तो आप लोग को सारी चीजें से सीखनी चाहिए ना, हर चीज मैम बोर्ड पर तो आपको लिखाएंगी नहीं, तो आप लोग को सब सीखना चाहिए, इसलिए कहती हूँ। ठीक है बेटा, हाँ अन्या देख रही हूँ, ठीक है बेटा, गुड बेटा, ठीक है, साफ लिखा, अच्छा लिखा अन्या, सब लिखती जरूर हो, लर्न भी किया करो, तुम्हें कुछ लर्न नहीं रहता है बेटा, लर्न भी किया करो, पढ़ाई किया करो, लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी में लिख कर उसको छोड़ दिया, कॉपी में लिखवाने का मतलब है आप लोग उसको लर्न भी करिए, ठीक है? खाली याद नहीं करती हो, सब अच्छे याद करते हो, कोई बात नहीं बेटा, अब आप लर्न करना एग्जाम तक, तब तक तो लर्न हो जाएगा ना आपको, अन्या पढ़ाई करोगी, अगर पढ़ोगी तो याद हो जाएगा बेटा, देखो सारे बच्चे पढ़ते हैं तभी तो लर्न होता है ना उनको, परवरिश आप भी, मीना आप भी, आपको भी लर्न नहीं रहता है बेटा, लर्न किया करिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे पूछिए, मैम ये कैसे होगा, मैम ये कैसे लिखा जाएगा, मैं बताऊंगी ना आप लोग को, ना सीखो तुम तो बोलती भी नहीं है, देखिए बेटा सारे बच्चे आन्या मीना सब देखिए, बाकी बच्चे कितना एक्टिव रहते हैं, मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ, आरव को देखिए, आराध्या को, पिंसी को देखिए, सब लोग कितने अच्छे से जवाब देते हैं, आरुष है, आरुष भी अच्छा है, गुड है, उसको भी सारी चीजें, वो भी जवाब देता है मुझे क्वेश्चन का, आप लोग भी ऐसे पढ़ाई करो तो आप लोग से क्वेश्चन होगा तो आप लोग भी जवाब दोगे ना, याद लर्न रहेगा तो, ठीक है? पढ़ाई किया करिए बेटा, जो कुछ भी मैं कॉपी में लिखाती हूँ वो जरूर उसको लर्न किया करिए, अभी आप लोग बड़े क्लास में चले जाओगे तो फिर बड़ी बड़ी चीजें कैसे लर्न करोगे, अभी छोटे लर्न कर रहे हो तो, और आगे क्लास में जाना है ना, इसी क्लास में बैठना है, यूकेजी में ही वन में जाना है ना, तो फिर चलिए ठीक है, बाकी ये जो मैंने लिखाया आप लोग को बोर्ड पे वो लिख लिया ना सबने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी, मैं जितना अभी तक मैंने पिछला जितना भी लिखाया है तो एक एक करके लर्न करके चलो, ओरल एग्जाम में मैं आप लोग से कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, हो गया है ना सबका? यस यस सर, ओके बाय क्लास, बाय मैम, बाय बाय मैम, बाय 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 मैम, बाय बाय, सब बच्चे लर्न करिएगा, ठीक है? यस।